Hello everyone, myself Jagannath. Now you are going to study present indefinite tense in detail. Present indefinite tense, इसकी पहचान क्या है? इंग्लिश में से आइडेंटिटी बोलते हैं. इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं आदि सब आते हैं. स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अलावा भी अदर वर्ड्स होते हैं तो उनको यूज किया जाता है. सिंगुलर नाउन में क्या होता है, ही सी इट. इट का यूज करते हैं एयर, वाटर और ज्यादातर स्मॉल एनिमल्स के साथ यूज करते हैं. और कोई भी सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन हो, एनी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं. अगर प्लूरल नाउन होगा तो आई, वी, आई, यू, वी, दे के साथ वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. इसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं. एग्जांपल देखिए क्या है, सरिता एक पत्र लिखती है. सरिता राइट्स अ लेटर. देखिए यहाँ पर राइट था और यस लगा दिया गया तो राइट्स हो गया. इसके बाद अगला देखिए क्या एग्जांपल, वे पत्र लिखते हैं. एक प्लूरल में है इसलिए लिखा दे, और जब प्लूरल होगा तो यहाँ पे यस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है. दे राइट लेटर्स, क्योंकि वे लिख रहे हैं पत्र, बहुत से लोग लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर लेटर की जगह लेटर्स हो गया है. वह स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल. यह सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर जी गो के साथ ईएस लगाया गया है तो सी गोज टू स्कूल हो गया. हम खेलते हैं, वी प्ले. वी प्लूरल में है इसलिए यहाँ पर यस ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है. इस तरह से आप समझ लीजिए कि सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस या ईएस लगेगा, अगर प्लूरल नाउन होगा तो यस या ईएस नहीं लगेगा. केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ भी लिखी जाती है. और इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे है, सरिता एक पत्र नहीं लिखती है. सरिता डज नॉट राइट अ लेटर. ये सिंगुलर नाउन में है इसलिए डज नॉट लगा है. वे पत्र नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट लेटर्स. ये प्लूरल नाउन में है इसलिए यहाँ पर डू नॉट लिखा गया है, डज नॉट नहीं लिखा गया है. वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल. ये सिंगुलर नाउन है सी, इसलिए यहाँ पर डज नॉट लगा हुआ है. और ध्यान दीजिए कि प्लूरल में होगा तो डू लगेगा, डू नॉट लगेगा, और अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लिखा जाएगा. हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले. ये प्लूरल नाउन में है. इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सरिता पत्र लिखती है, डज सरिता राइट अ लेटर, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा. हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, और अब डू या डज जो है पहले लिखा जाएगा. डज सरिता राइट अ लेटर. क्या वे पत्र लिखते हैं, डू दे राइट लेटर्स. तो यहाँ क्या के लिए जो इंग्लिश होती है यह डू या डज ही लिखी जाएगी, इसमें क्या के लिए अलग कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या सरिता पत्र नहीं लिखती है, डज सरिता नॉट राइट अ लेटर. ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया. क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट लेटर्स. क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट लेटर्स. क्या हम नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट, सॉरी, क्या हम नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले. इस तरह से यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट हुआ. इसमें आपको सिंपल भी सेंटेंस लिखकर बताए गए हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो गए हैं, इंट्रोगेटिव का भी हमने परिचय दिया है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी आपको शो करके दिखाए हैं किस तरह का स्ट्रक्चर होता है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट. नाउ सब्सक्राइब द चैनल द वीडियो. थैंक्स कमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.